श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बिनाहक निशवत श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूर्ण ब्रह्म की रचना की बात चल रही है, उसमें बहुत से गुण हैं। तो कह रहे हैं हक रूहों को बुलाए के नजीक बैठाई ले। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपने ब्रह्म आत्माओं को निकट बुला करके बैठाया। खेल दिखाने की बात हुई ना, तो ब्रह्मात्माओं ने मांग की, तो उन्होंने ब्रह्मात्माओं पर इतनी कृपा की, इतना प्रेम है कि वो कहीं बाहर इधर उधर ना भटकें। अगर दिखा सकते, दिखाना चाहे तो वो कुंज निकुंज वन में भी दिखा सकते हैं, वहाँ तो भटकने के चांसेस हैं। खेल खेलते हुए दिखा सकते थे, किंतु उन्होंने बड़ी कृपा की, सबको नज़ीक में बैठा करके फिर बोला कि अब तो मैं दिखाऊँगा। ये जाहिर करता है रसना, अब इस बात को किसने समझाया? तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने प्रकट होकर समझाया। उनकी रसना ही इस रहस्य को स्पष्ट कर दी है। ये जो अंतर का स्नेह है, उनके अंदर का प्रेम है, वो प्रकट करती है। प्रेम तो है ही, सारे अंगों में प्रेम भरा हुआ है, किंतु रसना के द्वारा व्यक्त होता है ना, तो वो विशेष है, उसे जल्दी पता चलता है। मीठी जुआ बोलत मासुक रुए प्यारी आशिकसों। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, प्रियतम परमात्मा अपने अनुरागिनी आत्माओं के साथ में बड़ी मीठी वाणी बोलते हैं, मधुर उनके वचन है, बड़े ही मधुर हैं। ऐसा मीठा अर्ष खाबंद, अब वो मधुर वचन कैसे बोलेंगे, वो स्वयं मीठे हैं, स्वयं मधुर हैं। जाके बोल चुबे हृदय मो, जिनके एक एक वचन है ब्रह्मात्माओं के हृदय में अंकित हो जाते हैं, तो उनको हृदय में चुभ जाते हैं। कहने का तात्पर्य, जैसे बोलते हैं ना किसी की बात लग गई, अच्छा चुभ गई बोलते हैं, चुभ न लगना, तो वो किस बात लग गई तो वो पीड़ादायक हो, उसको ही हम मानते हैं चुभना। किंतु यहाँ ऐसा नहीं, जिसका असर पड़ता हो। हाँ, तो अब पीड़ादायी बात हो तो उसके लिए कठोर वचन कहने पड़ेंगे, और प्रेम वाली बात भी तो लगती है, तो वो बड़े मधुरता से, बड़े मिठास से बोलेंगे तो उसका असर ज़्यादा होता, वो ज़्यादा चुभती है। तो वो चुभने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि पीड़ा देती हो, तो वो तो उसका असर ज़्यादा पड़ता है। प्यारी रसना सो अनेक, प्यारी बातें करे बनाए अक्षराते धामधनी। अपनी प्यारी रसना से ब्रह्मात्माओं के साथ में अनेक प्रकार की बातें करते हैं। प्यारे प्यारी रूह बीच में ये गुण जुआ के गिने न जाए। तो प्यारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने प्यारी आत्माओं के बीच में जो बातें करते हैं ना, वो पहले वाले चरण का भी इसी में आ जाता है। तो वो कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं, तो वो सारे गुण तो उनकी रसना के ही है ना, इसलिए इस जिह्वा के गुण उनका गिना नहीं जाता। मीठी जुवा मीठे वचन, उनकी जिह्वा भी मीठी है और वचन भी मीठे हैं। मीठा हक मीठा रूहों प्यारा, स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मधुर हैं, ये सब में माधुर्य की बात कर रहे हैं। अधर्म मधुरम की तरह से जुआ भी मधुर है, वचन भी मधुर हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं मधुर हैं, और मीठा रूहों प्यार ब्रह्मात्माओं के साथ में उनका प्रेम है, वो भी मधुर है। मीठी रूह पावे मीठे अर्ष को, और ब्रह्मात्मा स्वयं भी मधुरा है और परमधाम स्वयं मधुर है। जो मीठा करे विचार और
वो ब्रह्मात्माएं सदैव ये सारे माधुर्य का ही चिंतन करती रहती हैं, पूरे इस माधुर्य का चिंतन ब्रह्मात्माएं करती रहती हैं। तो ये माधुर्य की बात आई। प्यारी खिलवत में प्यारी रसना हो तब चन कदीमा, तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कदीम का तात्पर्य क्या है? पहले हमेशा हमेशा मूल मिलाव में सदैव पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्यारी रस मीठी बातें करते हैं। सो इन जुआ प्यारा क्यों कहूँ, और खेल दिखाने के समय भी उन्होंने उसी प्रकार से प्रेम से बात की, तो उस इस युवा को क्यों कहूँ, तो उस बात को मैं कैसे कहूँ जो हक आदि रुई हलीम, जो हक आदि और ब्रह्मात्माएँ रुए और हलीम है। हलीम का तात्पर्य अब ये यहाँ सुमधुर लिख दिया, वैसे नरम इस अर्थ में होता है, तो सहनशील ऐसे इस अर्थ में दिया हुआ है हलीम का। अब यहाँ नरम कोमल, कोमलता के संदर्भ की बात कर रहे हैं, तो इस ये समझ लेना चाहिए। सब अंग जिन्हें के इश्क के तिन्ह के कैसी ओसी जुवान, जिनके सारे अंग ही प्रेम से परिपूर्ण हो तो उनकी रसना तो और ज़्यादा प्रेम से परिपूर्ण होगी ना। अरस रूहें जाने जागृत, इस बात को कौन जान सकता है? जो परमधाम की आत्मा है वो भी जागृत होगी तो जान सकती है। जो रहे सदा कदमो सुभान, जो सदैव पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में रहती हैं, उनको ही इस रहस्य का पता चलता है। मेरी रूह देखे सहुरा कर, मेरी आत्मा इस पर चिंतन करके इस बात को समझती है। जाके नख शिख लग इश्क, जिसके नख से लेकर के शिखा पर्यंत प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। जुआ कैसी तीन हो ऐसी, अब ये मेरी आत्मा इस पर विचार करके कह रही है, ये कहना चाह रहे हैं जिनके नख से लेकर के शिखा पर्यंत प्रेम ही प्रेम भरा हुआ हो उनकी जुआ कैसी होगी, और वाणी बकार सहक और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की वाणी कैसी मधुर होगी, तो कैसे प्रेम से भरी हुई होगी। हक अरसना जो बोले अर्ष में, जिन किन को वचन, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रसना परमधाम में जिन ब्रह्मात्माओं को जो भी वचन कहती है, सो सब कारण जानियो वास्ते सुख रूहना, उन सब का कारण यही समझना कि ब्रह्मात्माओं को सुख पहुंचाने के लिए है। खेलावत हक बोलाए कि या पंखी या पशुअन, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पशु पक्षियों को बुला करके ब्रह्मात्माओं के सामने खेल करवाते हैं। सो सबरूहों वास्ते, वो सब ब्रह्मात्माओं के लिए है, सबको यह कारण है, सबका कारण यही है, ब्रह्मात्माओं को प्रेम दे रहे हैं इसलिए उनको खुश करने के लिए। खेलते बोलते नाचते या देखे खेल लड़ाए, तो या वो खिला करके खेलने लगा करके या बोलने लगा करके या नाचने लगा करके या देखे खेल लड़ाए, तो लड़ने लगा करके भी जो खेल दिखाते हैं ब्रह्मात्माएं जो खेल देखती हैं, सो सब वास्ते रुवान के सब ब्रह्मात्माओं के लिए है। कई विध खेल करा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ऐसे अनेक प्रकार के लीलाएं करवाते हैं, उनसे भी खेल करवाते हैं। कहूँ केती बातें हक रसना, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की रचना की गुणों की बातें कितने करें, निपटो बड़ो विस्तार है उसका तो कोई पारावार नहीं है। क्यों कहूँ जो किए रुवंशों हक जुआ के प्यार, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपने अनुरागिणी आत्माओं के प्रति कितना प्यार किया अपने जिह्वा से, उसकी बात मैं क्या बता सकूँ, कैसे कहूँ। हक रसना गुण खेल में पाव हरफ को होए न सुमार, इस नश्वर जगत के खेल में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की रचना के गुणों का एक एक पाव अंश, एक गुण का भी चतुर्थ अंश उतना तक भी उसके लिए जो परमधाम में बताया जा सकता है, उस हरफ का, उस वाक्य अथवा शब्द का चतुर्थ अंश इतना मात्र भी नहीं बता सकते। पाव हरफक हुए न शुमार, उसका कोई पारावार नहीं है।
तो जो गुण रसना अरस्य में परमधाम में जो गुण हैं वो ताको क्यों कर पाइए पारा, उसका पारावार कैसे हो सकता है। इस दुनिया में तो एक एक छोटे से गुण का अथवा उसके वर्णन करते हुए एक शब्द का चतुर्थ अंश जितना भी नहीं बताया जा सकता, तो परमधाम में ऐसे अपार तरीके से बताया जा सकता है, उसका उसका कोई पारावार ही नहीं है। ये विवरा जाने रूहे अरस्य की, ये विवरण तो ब्रह्मात्मा ही जान सकती है क्योंकि वो परमधाम की है। जाको वा कदार, जिनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन हुए होते हैं। जाए सिफायत हुई महम्मद की, अब सिफायत शब्द है इसमें सिफारिश अर्थ में भी है और पुरस्कार अर्थ में भी है। तो सिफारिश अर्थ में कई लोग इसका अर्थ करते हैं जिनको रसूल मोहम्मद ने जिनकी प्रशंसा की है उन ब्रह्मात्माओं की, या को सोई जाने विचार, इनके विषय में तो ब्रह्मात्मा ही समझ सकती है, ऐसा अर्थ करते हैं। दूसरा, जिनको पुरस्कार दिया हुआ हो, पुरस्कृत किया हो, तो वो भी सिफायत है। तो उनको कैसे, किसने पुरस्कृत किया? रसूल ने तो नहीं किया, सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, उन्होंने तारतम ज्ञान दे करके उनको पुरस्कृत किया ना। अरे तुम तो परमधाम के हो ऐसा बोल करके, तो उनको तो कितना बड़ा पुरस्कार मिला। तो उनके द्वारा ये पुरस्कृत हैं, तो वही जान सकते हैं। हक रसना गुण जाने रूहे, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की रसना के गुण ब्रह्मात्मा ही समझ सकती है। जाको निश्चिन यही ध्यान है, जिनका रात दिन यही ध्यान होता है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्यार को ही समझती है। ये खेल कबूतर क्या जा नहीं, ये खेल के कबूतर के भांति केवल दिखने वाले लोग हैं वो क्या समझ सकते हैं। हक रसना को बयाना, वो हक रसना के बयान, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रसना का विवरण को वो क्या समझ पाएंगे, उसमें कितने गुण हैं। जो कुछ बोले हक रसना सो सब वास्ते रूहन, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रसना के द्वारा जो भी वाणी निकलती है वो ब्रह्मात्माओं के लिए है। और जरा हक दिल में नहीं, ए जाने दिल अरस मोमिन, पूर्ण ब्रह्म के हृदय में दूसरी कोई बात है ही नहीं ब्रह्मात्माओं को सुख पहुंचाने के अतिरिक्त, इस बात को ब्रह्मात्मा ही जान सकती है। जो कछु बोले हक जुवाएं सो सब रूहों के हेत, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की रचना जो कुछ भी कहती है वो ब्रह्मात्माओं को प्यार देने के लिए कहती है। अरस बोल खेल या चलन, परम धाम की वाणी खेल चलन जो भी है, या जो कछु लेता देता, जो लेन देन ब्रह्मात्माएं बोलती है, फिर अक्षराते धाम धनी बोलते हैं, सारी रचना है वो रचना के गुण है, वो सब उनको प्रेम देने के लिए है। रचना जो भी कार्य करती है ब्रह्मात्माओं को प्रेम देने के लिए। हुक्म कहावे मेरी रूह पे, जो हुई मुझ में भी तक, मुझ मेरे अंदर भी जो बातें बीती है वो अक्षराते धामधने के आदेश वो कहला रहा है, मेरे अंदर भी ऐसी बातें बीती है। सो कहूँ अरस रूहों को, परमधाम की आत्माओं को वो बात भी मैं समझा दूँ, ये बातें मुझे समझ में आई, मेरे अंदर बीती है, इसलिए वो आपको समझा देता हूँ। जो दिए सुख रसना हक, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रसना जो सुख देती है वो मैं आपको बताऊँ, मुझे भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने एक एक बात बोल करके समझाया है। परमधाम का विवरण समझाया तो बोल करके भी समझाया ना। हक रसना के सुख जो आवे न गिनती माहे, इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रसना के सुख हैं जो गिनती में आते नहीं हैं। कई सुख अलेखे अपार, वो सुख तो असंख्य हैं जिनका कोई पारावार नहीं है, क्यों कहे जाए जुवाएं, इस नश्वर जुवा के द्वारा कहे नहीं जा सकते। मीठी मीठी माएँ, मीठी मीठी मीठे मिठास से भरी हुई है और उसके अंदर भी और मिठास है। रस रसीली रसना वाण, रसना की वाणी है वो रस रसीली रस से परिपूर्ण है, प्रेम रस से। हाँ, सुख सुख के माए, कई सुख उसमें तो एक सुख ही नहीं, सुख के अंदर भी सुख ही सुख है। सुख क्यों कहूँ रसना सुभान, ऐसे रसना सुभान की, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की रसना के सुख की बात क्या कहें।
मोहे इल्म दिया आए अपना, उन्होंने स्वयं आकर के मुझे ज्ञान दिया सदगुरु के द्वारा, और सदगुरु ही उनके हृदय में बैठे ना, इसलिए ये बता रहे हैं। तासों प्यार दिया मुझको, उन्होंने स्वयं आकर के मुझको प्यार दिया है इसी रसना के द्वारा। 14 तबक कायम किए और 14 लोक को अखंड बनाने का दायित्व भी दिया। कहलाए मेरी रसना सो, और मेरी रसना के द्वारा ये सब कहलाया, ये ज्ञान दिया, इसका प्रचार किया, इसके द्वारा 14 लोक भी अखंड होंगे। ये नुक्ते इलम अपने दुनी बक्का कराए मुझसे, उनका ज्ञान है, उसका तो थोड़ा सा एक नुक्ता, एक छोटा सा अंश ही बताया है, उनके पास ज्ञान का तो भंडार है, उसके द्वारा भी, उसके माध्यम से भी मेरे द्वारा दुनिया को अखंड करवाया। तो गंज अंबार जो सागर, तो ऐसे ज्ञान के गंज भंडार अंबार कहें वो सागर है ऐसे। तो कैसे होशी हक दिल में, उनके हृदय में ऐसा ज्ञान कितना भरा हुआ होगा, कितना प्रेम भरा होगा। जो कोई शब्द बीच दुनिया सो उठे हुक्म के जोर, दुनिया में जो भी शब्द प्रकट हुए हैं, कहने का तात्पर्य जो शास्त्र के वचन दुनिया में प्रकट हुए, जो जो शास्त्र अवतरित हुए हैं, वो सो उठे हुक्म के जोर, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश के प्रताप से ही बने हुए हैं। ए गुज सुखाकर रसना, ये गुह्य सुख ये सब है, गुड़ सुख है, ये भी अपूर्ण ब्रह्म परमात्मा की रसना के द्वारा ही प्राप्त है। कछु मोमिन जाने मरोड़, इसका निचोड़, मरोड़ का तात्पर्य निचोड़ समझना चाहिए, इसको परमात्माएं समझ सकती है इन शास्त्रों के रहस्य को। तब यही रखते हैं, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कछु मोमिन जाने मरोरा, जो कोई शब्द बीच दुनिया, सो उठे हुकुम के जोरा, ए गुज सुख करसना, कछु मोमिन जाने मरोरा, कछु मोमिन जाने मरोरा। श्री श्रवण कृष्णमणि जी महाराज की जय।